ईद खुदा ने फिरौन ना तमया कि अगर वो इसराइलिया ना जान नहीं देसी ते वो इंसान और हैवान दुआ गए सारा नर प्लेठा ना लाग कर देगो। जिस कड़ी फिरौन ने यो सुनियो फिर भी उसने खुदा पर ईमान लैन और उसको हुक्म मनन तू इनकार कियो। खुदा ने उस पर ईमान रखन आलांगा प्लेठा ना बचान को एक तरीको पेश कियो। हर खानदान ना एक बे ऐब को इंतजाम करन गए उस ना कुर्बान करनू हो। खुदा ने इसराइलिया ना क्योंकि बरा को थोड़ो खून ले गए अपना कार गए दरवाजा गए बैरल लावी और मांस ना पका गए उस रोटी के नाल जेड़ी बगैर खमीरा के बनी भी जल्दी जल्दी खाओ। उसनी उन्ना यो भी क्योंकि जिस कड़ी वे खा चुकी ते मिस्र मां छोड़न गए वास्ते तैयार हो। इसराइलिया ने सारो कुछ बकल इसरा ही कियो जिसरा कि खुदा ने उन्ना करन गो हुकुम दितो थो। अधी रात मां खुदा सारा मुल्क मिस्र बिचु गुजरियो और इन गा हर एक पहला फरजंद ना हलाक करता गया। सारा इसराइलियां गा करां गा दरवाजा भर खून गो निशान थो। चिनाची खुदा उन करां ना छोड़ता गया उन गा करां मां मौजूद हर एक महफूज रियो। वे भरा गए खून की वजह तू बच गया था। मगर मिस्री खुदा वर ईमान ना लाया और ना ही उसका हुक्म ना मन्यो। पास खुदा ने उनका करा ना नी छोड़ियो। खुदा ने मिस्र गया हर एक पहला फरजंद ना हलाक कर दितो। कैद खाना मां कैदी का प्लेठा लेके फिरौन का प्लेठा तोड़ी हर एक मिस्री नार प्लेठा लाक होयो। मुल्क मिस्र मां कई लोग गहरा सदमा की वजह तू रो रहा था और मातम कर रहा था। फिरौन ने उस रात हजरती मूसा और हजरती हारून ना बुलायो उन ना क्यों इसराइलिया ना लेकर फौरन मिस्र बिचू निकल जाओ। मिस्र का लोका ने भी इसराइलिया के फौरन निकल जानवर इसरा कियो। रोज तू ले गए बाइबल की एक कहानी।